So today we'll start the our next topic is the energy stored in a capacitor. Next topic is the energy stored in a capacitor. Means how much energy stored in a capacitor. For this we derive the formula. Okay, and we already discussed the function or uses of capacitor. What is the function of capacitor? Capacitor is used for and store the energy. ठीक है, तो एनर्जी स्टोर करेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला के लिए अगर हमने देखा तो किसका यूज करेंगे, पैरेलल पैर कैपेसिटर। ठीक है, तो इनिशियली क्या करेंगे, टेक टू प्लेट्स ऑफ अनचार्ज प्लेट्स। ठीक है, अनचार्ज में इनिशियली क्या, इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। ठीक है, और जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या होंगे, चार्जेस आर फ्लो, इसके देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस आर फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव एंड and goes to on first plate, okay? और first plate पे धीरे धीरे positive charges क्या होते आएंगे, sorry negative charges क्या होते आएंगे, collect होते आएंगे, और यहाँ से धीरे धीरे flow करते 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 कहाँ पे जाएंगे, second plate पे। तो second plate पे धीरे धीरे negative charges क्या होते आएंगे, increase होते जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा charge increase होगा, negative charge। तो यहाँ पे कौन से charges हो जाएंगे, यहाँ से अगर धीरे धीरे negative charges यहाँ flow रहे, तो यहाँ पे in the absence of negative charges there are more than electrons are positive charges are present। मींस कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में कौन से चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक है, और अब इसके लिए यहां से क्या करेंगे, एक बार चार्ज करने के बाद क्या करते हैं, यहां से हम बैटरी को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और अब दूसरी चीज अगर देखो तो यहाँ से क्या होगा, चार्ज डायरेक्टली, तो जैसे हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने इनिशियली चार्ज रखा था 50 इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली 50 इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो हो रहे होंगे, फर्स्ट क्या हो गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ होगा, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ठीक है, ऐसे करके एक एक इलेक्ट्रॉन करके क्या गए होंगे, वहां पे फ्लो होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना, एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यू इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू मीन्स क्या होगा, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, और वी मीन्स क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल। U means potential energy and V means only potential. Okay? और अब यहाँ पे हम देख रहे हो तो क्या total potential energy मिलेगी हमें, नहीं, छोटे से छोटे एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे, टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो उसके लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, डी यू। ठीक है, और डी यू के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इंटू डी क्यू। देखो डी यू मीन्स क्या होगा, स्मॉल एनर्जी मिलेगी, और चार्जेस भी क्या होगा हमारा, स्मॉल होगा dq। और टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके, इंटीग्रेट बोथ साइड, सो इंटीग्रेट बोथ साइड द du एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dq। ठीक है, अब हमें किसके लिए करना है, कैपेसिटर के लिए। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, जो v का जो फॉर्मूला है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, c में। तो c के लिए फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू q बाय v। Okay, so V is equal to Q upon C. So V के लिए क्या पुट करेंगे, Q by C, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो DU के लिए क्या हो जाएगी हमारी, U is equal to integration of V dQ and V is equal to Q by C into dQ. ठीक है, और यहां से हम देखें तो C कैसा होता है हमारा, कांस्टेंट, तो कहां आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, Q into dQ। ठीक है, और इंटीग्रेशन के लिए रूल्स क्या होता है, पावर प्लस वन एंड डिवाइड बाय पावर। इसकी पावर में हम क्या करेंगे, प्लस वन करेंगे, और जो भी आएगा उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, पावर में क्यू वन, वन प्लस वन टू क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचता है, वन बाय सी, ठीक है, अपॉन टू, और क्या हो जाएगा, सी। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी के लिए, किसके लिए, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी। ठीक है, और इसके लिए देखो टोटल थ्री फॉर्मूलास हमारे पास अवेलेबल है, वो कैसे याद रखेंगे, तो फर्स्ट एक फॉर्मूला क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी, और दूसरा फॉर्मूला के लिए अगर हम क्या करें तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से अगर हम देखें तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, और क्यू की वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करो तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, सो इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू इंटू सी, तो वन सी इज कैंसल, सो यू के लिए एक फॉर्मूला और मिला, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, और एक फॉर्मूला निकालेंगे, टोटल थ्री फॉर्मूला है, और अब देखो जैसे फर्स्ट हमने क्यू की वैल्यू पुट की, अब किसकी वैल्यू पुट करेंगे, सी की, और सी की वैल्यू अगर यहाँ से हम पुट करें तो सी की जगह पे क्या होगा, क्यू बाई वी, सो यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, एंड सी इज इक्वल टू Q
क्यूब बाई वी, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा, और एक क्यू क्या हुआ यहाँ से कैंसिल और वी गया ऊपर, तो यू के लिए फॉर्मूला जाएगा हाफ क्यू इन टू वी, हो गया। अब बोलोगे सर तीनों फॉर्मूला याद रखने की जरूरत क्या है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में क्यू और सी की वैल्यू गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो तो फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे, अब सपोज क्यू और वी की वैल्यू गिवन है तो किसका यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन में, और सी और वी की वैल्यू गिवन है तो यू निकालना, और ऐसे ना करना कोई भी वैल्यू गिवन दूसरी वैल्यू इस फॉर्मूला सब क्या कर सकते हैं फाइंड कर लो और उसके बाद वैल्यू पुट कर दो तभी चलेगा, ठीक है। बट नॉर्मली ये इक्वेशन क्या यूज करते हैं सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर, ओके। सो नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से नोट डाउन कर लो, ओके। और इसी के बाद अगर इसी के अंदर देखें तो एक टॉपिक और आता है इसी के अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, इसके लिए पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए बताएगा तो उसके लिए इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2 सी, ठीक है। और हमने लास्ट कल देखा था हमने एक, ठीक है, तो उसमें से एक फॉर्मूला निकालेंगे क्यू का इसके लिए था सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, सो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ए, ओके। और सेकेंड सी के लिए भी हमने कल निकाला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, उसके लिए सपोज डिस्टेंस ये टी और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा है, तो उसके लिए कैपेसिटर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, दोनों की वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करें, तो यू इज इक्वल टू कैपिटल यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इन टू ए स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा टू, and c is equal to epsilon naught a upon t, take it a cancel, 1 a is cancel and denominator upon denominator d kahan jayega upar, so u is equal to sigma square into a into d upon 2 epsilon naught, take it। aur ab agar yahan se hum dekhe to a into d iske area इंटू डी, इसके एरिया इंटू डी अगर कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल के लिए कोई भी थियरी के लिए कभी भी आए तो एरिया इंटू डी या एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू रेडियस क्या होता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। सो एरिया इंटू डी इज वॉल्यूम, सो फाइनली फॉर्मूला क्या होगा यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी, ठीक है। ये भी वॉल्यूम के लिए है और यहाँ पे जो यूज किया था ये पोटेंशियल के लिए था, ठीक है। सो वी अपॉन टू एप्सिलॉन, ठीक है। सो वी कहाँ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल के अपोजिट साइड, राइट। सो यू अपॉन वी, और हमें क्या फाइंड करना था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इस वॉल्यूम से क्या करना था डिवाइड करना, और इसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे स्मॉल यू, ठीक है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर तो कैपिटल यू, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम तो उसके लिए सिंबल क्या जाएगा स्मॉल यू इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू इंटू एप्सिलॉन। और यहाँ पे देखो एक स्टेप और लेके आ रहे हैं, E के लिए भी हम यहाँ पे देख रहे थे पॉजिटिव चार्जेस होंगे और यहाँ पे क्या होंगे नेगेटिव चार्जेस होंगे, और पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस तो क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर देखा था इस रीजन का जो रिजल्टेंट कैपेसिटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसके लिए हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सिग्मा है एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी चीज से अगर तुम मल्टीप्लाई करो उसी चीज से अगर डिवाइड करो तो वैल्यू में या न्यूमेरिकल में कभी भी कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा फाइनली फॉर्मूला हमारा यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन को क्या लिखेंगे ई, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर को क्या लिखेंगे ई स्क्वायर, तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ई स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, ओके। तो नोट डाउन कर ले, और इसी के अंदर टॉपिक है अलग से नहीं है इसी के अंदर है कंटिन्यू है, ओके। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है, और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।